प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। परमात्मा करे आप सब सुखी रहें, प्यार से रहें, आपकी ज़िंदगी प्यार से भरपूर हो। आप और आपके रिश्तेदार, जानने वाले इस नए साल में सब प्यार से रहें, एक दूसरे से मिलजुल के रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी में शांति हो और आपका ध्यान प्रभु की ओर तेज़ी से लगे। जो ये नया साल आ रहा है 2019, इसके लिए एक नया स्लोगन हमने रखा है, जो है बी अ मेडिटेशन मशीन इन 2019। उसका मतलब ये है कि हम एक मशीन के माफक, जैसे एक मशीन जब ऑन होती है वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, वैसे हम सब 2019 में और ध्यान टिकाएं, और ध्यान टिकाएं, और ध्यान टिकाएं। हम सब पूरी कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन अभ्यास में दें। भजन अभ्यास हमारा सही तरीके से चले उसके लिए सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है, जो हमें नामदान के समय हमारे सद्गुरु ने दिया है। जब हम बाकायदगी से प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो फिर हमारा मन शांत होता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा ध्यान फिर और चीज़ों में लेके नहीं जाता, और जब हमारा मन शांत रहता है तो हमें विचार नहीं आएंगे, और जब विचार नहीं आएंगे तो हमारा ध्यान आसानी से अंदर की दुनिया की ओर टिक सकता है। बाहर की दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, और सिमरन के ज़रिए हम उन सब से दूर हो पाते हैं। जब हम अभ्यास करते हैं तो सिमरन हमें बहुत मददगार होता है, ताकि हमारा अभ्यास पक्का हो, अच्छा हो, और हम अंदर की दुनिया में तेज़ी से कदम बढ़ा पाएँ। ये जो नया साल आ रहा है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अभ्यास के लिए दें। हमारा अभ्यास बेहतर हो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में सद्गुण हो, हमारे अंदर प्रेम, हमारे अंदर सच्चाई, हमारे अंदर निष्काम सेवा भाव, हमारे अंदर नम्रता, हमारे अंदर करुणा, हम औरों के मददगार हों, ये सब सद्गुण हमारे अंदर होने चाहिए। जितना ज़्यादा हम सद्गुणों की ओर ध्यान देंगे, उतना हम देखेंगे कि हमारी जो बाहर की ज़िंदगी है वो बेहतर होगी। जितनी बाहर की ज़िंदगी बेहतर होगी, उतना ही हम देखेंगे कि जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठेंगे तो हम अंदर की दुनिया में तेज़ी से बढ़ पाएंगे। उसके लिए जो हमें आत्मनिरीक्षण की डायरी दी गई है, उसकी हम मदद लें। ये डायरी हमें इसीलिए दी गई है ताकि हम देखें कि क्या हम सद्गुणों को अपने अंदर सही तरीके से पा रहे हैं, क्या हम अपनी ज़िंदगी ऐसी बना रहे हैं जैसी कि महापुरुष हमें समझा गए हैं, क्या हम कदम बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी बुनियाद पक्की हो और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। जब बुनियाद पक्की होगी तो इमारत खुद ब खुद अच्छे तरीके से टिकेगी। तो जो सद्गुण है, ये एक बुनियाद है जिस पर हमारी आध्यात्मिक ज़िंदगी निर्भर है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अभ्यास सही तरीके से करें, रोज़ाना करें, बाकायदगी से करेंगे, और जब हम बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी तरक्की रूहानियत के रास्ते पर तेज़ी से होगी। ये जो नया साल आ रहा है 2019, इसमें हम बाकायदगी से रोज़ाना समय नियुक्त करें, ताकि हम हर रोज़ उसी समय पर बैठें। जब हम हर रोज़ उसी समय पर बैठेंगे तो हमारी आदत बनेगी, और जब हमारी आदत बनेगी अभ्यास करने की, तो फिर हमारा मन भी मददगार होगा कि हम रोज़ाना अभ्यास कर पाएँ। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज,
परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि आप सब अपनी जिंदगी प्रेम से गुजारें, आप सब आत्मनिरीक्षण की डायरी रखें, आप सब रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ऐसा आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी प्रेम से गुजरेगी, प्यार से गुजरेगी, और आपके कदम बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। एक बारी फिर जो नया साल है 2019, उसकी बहुत 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 आपको बधाई हो। और जो स्लोगन है बी अ मेडिटेशन मशीन इन 2019, ये आप रोज़ाना याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन अभ्यास के लिए दें। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी साल नया शुरू होता है तो हम इस ओर ध्यान देते हैं कि पिछले साल में हमने क्या किया, ताकि नए साल में हम और क्या करें, उस ओर हमारा ध्यान जाए। बहुत से लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, और जब हम देखते हैं कि पिछले साल ने हमने क्या किया, तो उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि हमारा समय किस और गुजरा और किस किस्म की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हुई, तो फिर हम किस किस्म के इंसान हैं वो भी हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है। हर एक इंसान अपने आप को तो बहुत अच्छा समझता है, जब तक वो अपनी ओर ध्यान नहीं देता उसे पता नहीं कि कितना वो अच्छा है। लेकिन जब सही तरीके से अपनी ओर देखें और देखें कि हम जीते कैसे हैं, बातचीत कैसे करते हैं, काम काज कैसे करते हैं, किससे मिलते कैसे हैं, और अपना समय किन चीज़ों में लगाते हैं, तो फिर हमारे सामने खुल जाता है कि हम किस किस्म के इंसान हैं। महापुरुष समझाते हैं कि इस धरती पर तीन किस्म के इंसान आते हैं। सबसे पहले वो जो के बाहर मुखी हैं, जिनका ध्यान बाहर की दुनिया में है, जो इस दुनिया को असली दुनिया समझ बैठते हैं, जो यही सोचते हैं कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो इस दुनिया का है, और वो फिर सुबह से शाम तक इस दुनिया की ओर ध्यान देते हुए ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक दूसरे किस्म के इंसान होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, जिन्हें किसी पूर्ण महापुरुष से नाम की देन मिली हो, उन्हें ये समझ में आता है कि हमने इस धरती पर आकर अपने आप को सही रूप में देखना है, जानना है, पहचानना है, और कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने हैं। इस दुनिया में रहते हुए, क्योंकि संतमत का रास्ता हमें ये नहीं कहता कि हम इस दुनिया को छोड़ें, घर गृहस्थी को छोड़ें, वो समझाता है कि घर गृहस्थी में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज से पॉजिटिव मिस्टिसिज्म कहा करते थे, नेगेटिव नहीं, कि किसी चीज़ को छोड़ना नहीं, घर गृहस्थी में रहते हुए समय बाकायदगी से रोज़ाना निकालना है ताकि हम अपनी मंजिल तक बढ़ सकें। तो वो इंसान जिन्हें नाम की देन मिलती है, उन्हें जो अंदर के मंडल हैं उनमें जो प्रभु की सत्ता काम कर रही है, उनके नामों का जाप दिया जाता है। और फिर जब हमारे सद्गुरु जाप देते हैं, उनके पीछे उनकी तवज्जो होती है ताकि वो जाप हमें मन को शांत करने में मददगार हो। सिमरन, पांच नामों का जाप, जब हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, तो फिर मन शांत होता है, और फिर हमारी सुर जो कि शरीर में बिगड़ी हुई है वो यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होती है, और हम अपने सद्गुरु की मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। तो ये वो भाई बहन जो कि अंतर्मुखी हैं। और फिर तीसरे जिन्हें के हरिजन कहा गया,
कि जो हरि परमात्मा और जन इंसान, जिसे संत दर्शन सिंह जी महाराज गॉड मैन कहा करते थे, संत महापुरुष जो के पिता परमेश्वर के हुक्म से यहाँ भेजे जाते हैं, जो शब के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें अपनी तवज्जो देकर हमें 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवाते हैं। तो जब हम अपनी ओर ध्यान देते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो फिर हमें ये मालूम हो जाता है कि किस कैटेगरी में हम हैं, किस में हमें जानना चाहिए, किस और कदम बढ़ाने हैं। और संत कृपाल सिंह जी महाराज तो बार बार फरमाते थे, व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अदर, जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। किस किस्म के हमने एफर्ट्स पुट इन करने हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। जो पहली श्रेणी है जो कि बाहर मुखी की है, उसमें तो जितने भी जीव हैं सब 84 लाख जिया जो उनमें फंसे हुए हैं। जो दूसरी श्रेणी है जिसमें अंतर्मुखी हैं, उसमें वो भाई बहन हैं जिन्होंने नाम लिया है, उनमें वो भाई बहन हैं जो नाम लेने के बाद अभ्यास करते हैं, उनमें वो भाई बहन हैं जो कि अभ्यास कर कर जिसे साध की अवस्था कहा गया है, जो कि पार ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, पिंड आन ब्रह्मांड को पार कर जाते हैं, काल देश को पार करके पार ब्रह्म जो के दयाल देश का निचला हिस्सा है वहाँ तक पता से साध कहा जाता है, तो उस श्रेणी में वो लोग आते हैं। और फिर जो सचखंड और अनामी पहुँचे हुए हैं और प्रभु के हुक्म से यहाँ भेजे गए हैं, जिन्हें संत कहें, परम संत कहें, वो तीसरी श्रेणी में आते हैं। तो हम अपनी मंजिल की ओर, जो 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाना, उस तक पहुंच सकते हैं। हम में से बहुत से भाई बहन बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, अध्यात्म संत दर्शन सिंह जी महाराज की दया मेहर मिली, हमें इन महापुरुषों ने नाम की देन दी। तो हम इस दूसरी श्रेणी में हैं, इसमें किस लेवल पर हैं ये हम पर निर्भर करता है कि हम अभ्यास करते हैं या नहीं करते। और जो भाई बहन यहाँ नए होंगे जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, वो जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी को सुधारेंगे वैसे वैसे वो भी उस श्रेणी में पहुंच सकते हैं। तो एक परम संत, एक संत, एक महापुरुष जो हमें नाम की देन देते हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वो कबीर साहब ने बड़े प्यार से समझाया है कि ये महापुरुष कैसे हैं, हमारे अंदर क्या जागृत करते हैं। तो फरमाते हैं कि साधु सो सद्गुर मोहि भावे, कि किस किस्म का सद्गुर है जो मुझे भाता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगना चाहिए। सद्गुरु क्या है? संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है, ये आईना है वो जिसमें खुदा मालूम होता है। तो एक पूर्ण महापुरुष क्या है? जिनके जरिए हम असलियत को जान पाते हैं, जिनके जरिए पिता परमेश्वर के हम दर्शन कर पाते हैं, जिनके जरिए इस शरीर से हम ऊपर उठ पाते हैं, जिनके जरिए हम जिस मकसद से इस धरती पर आए हैं, हम सब एक ही मकसद से आए हैं, वो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर पाना है। तो उनके जरिए हम अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। तो एक पूर्ण महापुरुष जिन्हें प्रभु का हुक्म मिला कि वो जाकर भटकी हुई रूहों को वापस लाएं, उनके चरण कमलों में पहुंचना ही एक बड़ी देन है। तो यहाँ पर कबीर साहब फरमा रहे हैं कि
साधो सो सद्गुर मोय भावे, और आगे फरमा रहे हैं कि सत नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोहे प्यावे। कि कैसा सदगुरु चाहिए जो के सत नाम है। सत नाम क्या है? सच्चा नाम। सच्चा नाम क्या है? प्रभु का शब्द जो प्रभु से उत्पन्न हुआ। आज सक जुगाद सक है भी सच नानक होसी भी सच। कि प्रभु ने जब सृष्टि रची तो उनसे प्रभु का शब्द उत्पन्न हुआ। उसके दो हिस्से जो ज्योति और श्रुति हैं, लाइट एंड साउंड, को शब्द कहा गया है, उसको नाम भी कहा गया है। कि वही प्रभु से उत्पन्न हुए, वही सच्चे हैं, उनके जरिए ही सब कुछ चलता है, उनके जरिए ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। कि जब वो सत के नाम के साथ हम जुड़ते हैं तो फिर हमारे कदम तेजी से हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। तो उस सच्चाई के नाम को पाने के लिए ही बार 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 हमें किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में जाने के लिए कहा जाता है। अब गुरु की महिमा महापुरुषों की शिक्षा में बार बार आती है। गुरबाणी में भी आया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुर आपने जिन गोविंद दिया बताए। कि अगर हमारे सदगुरु परमात्मा खड़े, पहले पांव किसके टच करेंगे? कि परमात्मा से तो बड़ा कोई है ही नहीं, उन्होंने सृष्टि रची। लेकिन जिसने रास्ता दिखाया प्रभु को पाने का, उसको हम बलिहारी पहले जाएंगे। और सहजोबाई ने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो फरमाती हैं कि कंपैरिजन करें अपनी तरफ से प्रभु का और गुरु का, कहती हैं हरी कृपा जे होए तो, नहीं होए तो नाही। कि प्रभु की कृपा होए तो होए, नहीं होती तो कोई बात नहीं। पे गुर कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। कह रहे अगर गुरु की कृपा नहीं हुई तो ये जो हमारी इंटेलिजेंस है जिसे हम बुद्धि कहते हैं, वो हमें अंधकार में लेके डूब जाएगी। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया है कि करे तलाश जिनू जुल्मते किरत से कहो, जिनू किरण है किरण के सिवा कुछ और नहीं। कि हम जो रोशनी है, जो प्रभु का शब्द है, उसको हम दिमाग से बुद्धि से पाना चाहते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो अवस्था जो जागृत होने की है, वो रोशन होने की है, वो रोशनी है और कुछ नहीं, उसे बुद्धि से पाया नहीं जा सकता, मन बुद्धि के ऊपर उठना होगा। यहाँ पर सहजोबाजी तभी कह रहे हैं कि पे गुर कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। कि अगर एक पूर्ण महापुरुष की कृपा ना हो तो सच क्या है झूठ क्या है उसका निर्णय हम कर नहीं पाते। हमारी बुद्धि तो हमें इस दुनिया की चीज़ें ही समझा सकती है। और प्रभु को पाना प्रेम का रास्ता है जो कि दिमाग से जाना नहीं जा सकता। वो बुद्धि हमें अंधकार में डुबा देगी। और सहजो भाई तो और बहुत कुछ कह रही हैं। कह रही हैं कि राम तजू पे गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। कि गुरु को हम इन आँखों से देख सकते हैं, प्रभु को देख नहीं सकते। कि गुरु के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। और फरमारे के हरि ने जन्म दियो जग माहे, गुरु ने आवागमन छुटाए। फरमारे के परमात्मा ने क्या करा, हमें अपने साथ से अलग कर दिया, 84 लाख जिया जून में भेज दिया। गुरु ने क्या करा, वो 84 लाख जिया जून जिसमें हम फंसे हैं उसको काट दिया ताकि हम फिर से वापस प्रभु में मिल जाएं। ये गुरु की महिमा में कहा गया है। हरि ने 5 चोर दिए साधा। कि प्रभु ने क्या किया, जब ये शरीर दिया तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार साथ में जोड़ दिया। और
गुरु ने लीन छुटाया ना था। तो गुरु ने क्या कहा, हमें कैसे हमें जीना चाहिए, हमारे अंदर वर्चूज हों, सद्गुण हमारे अंदर हों, हम सच्चाई की ज़िंदगी जिए, हम प्रेम से जिए, हम निष्काम सेवा भाव से जिए, हम पवित्र ज़िंदगी जिए, हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं, करुणा से जिए, हमें एक सच्चा इंसान बनाया ताकि हम फिर से प्रभु में जाकर लीन हो जाएं। तो हमने अपने आप को जानना है, परमात्मा को पाना है। हम उनमें से बहुत से भाई बहन बड़े खुशकिस्मत हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, जो पिछले संचय के महापुरुष थे, इनकी बड़ी दया में हम पर हुई, इन्होंने हमें नाम की देन दी। अब हमने इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना है। तो जो नए साल की शुरुआत है, हमें जाने कि इस नए साल में हम प्रण करें कि हम समय भजन अभ्यास के लिए निकालेंगे, प्रण करें कि सद्गुणों को अपनी जिंदगी में डालेंगे, ताकि जिस मकसद से पिता परमेश्वर ने हमें भेजा है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा कराना है, वो हम सबके लिए पूरा हो जाए।